इंसान को कोई ना कोई शौक जरूर होता है। किसी का शौक मनोरंजन तक सीमित रहता है तो किसी के लिए शौक जुनून बन जाता है। हनुमानगढ़ के अमित कुमार भी एक ऐसे ही जुनूनी कलाकार हैं जिन्होंने चौक को कुरेद कर क्या कुछ नहीं बना डाला। मूर्तियां बनाई, अंडे और नारियल पर चित्रकारी की और 1 सेंटीमीटर की हनुमान चालीसा बना डाली। अमित के कारनामों की फेहरिस्त लंबी है, देखिए विश्वास कुमार की ये रिपोर्ट। पतली छोटी सफेद चाक पर बनी रंग बिरंगी देवी देवताओं की मूर्तियां, ये अमित कुमार के बचपन का जुनून ही था जो अब निखर कर सामने आ रहा है। चाक पर बारीक महीन लिखावट में 108 मनकों की रामायण लिख डाली है अमित ने। धैर्य और मेहनत के इस काम में अमित कभी नहीं रुका। बचपन में चाक के साथ नाखून से कुछ कुरेदा, चाक को कोई शक्ल दी और फिर शुरू हो गया कलाकारी का सिलसिला। पहले मैंने स्कूल में बैठे बैठे चौक पर कुछ आकृति बनाई जिससे वह एक अलग दिखने लगी आकृति बनके, तो मैंने बचपन से ही वो करने लग गया। चौक पे बनाते बनाते कुछ अलग बनाया, फिर चौक के ऊपर 108 मनकों वाली रामायण लिखी मैंने। एक चौक पर 108 गणेश जी की प्रतिमा बनाई और छोटे छोटे पतंग भी बनाए। अमित की कलाकारी सिर्फ चौक तक ही सीमित नहीं है, उसने अपने अंगूठे के बराबर 1 सेंटीमीटर की हनुमान चालीसा लिख डाली जिसमें कई देवी देवताओं की आरती भी शामिल है। बारीकियों के इस फन में नारियल पर भी अपनी कलाकारी दिखाई है। अमित को पुराने सिक्कों और रुपए को रखने का भी शौक है। और मोमबत्ती पर खोद खोद कर मैंने प्रतिमा का रूप दे दिया, जैसे भगवान गणेश और शिव और क्रिकेट बल्ला बॉल आदि रूप बना दिए। और नारियल पर भगवान की प्रतिमाएं खोद दी मैंने। और अब मैं अपनी जान पर बाजी खेलता हूँ जिसमें मैं अपनी आंखों में और बॉडी ऊपर मैं गर्म मोमबत्ती का मोम डालता हूँ। इस कलाकार को जलती मोमबत्तियों से खेलने का शौक भी है। संगीत की धुन पर नाचते थिरकते अमित अपने बदन पर पिघलती मोम भी गिरा लेते हैं बिना उफ किए। उनके इस हुनर के लिए उन्हें तमाम पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। मुख्यमंत्री भी उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। बेटे को सम्मान मिलता देख उनके परिवार का भी सर फक्र से ऊंचा हो जाता है। का कलाकार देखे, हमने इसको रोका नहीं, भी इसके शौक था, करता रहा। अभी आगे आगे से ये अब टीवी में भी गया था, आगे और भी इनाम काफी जीते थे, इससे हमारे को खुशी होती है। हम तो यही चाहते हैं हमारा बच्चा और होशियार बने और भारत का नाम रोशन करे, माँ बाप का नाम भी रोशन करे। अमित की अभी कई इच्छाएं हैं जिसे वो पूरी करना चाहता है। जुनून अभी खत्म नहीं हुआ है। वो चाहते हैं कि वो कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और परिवार, प्रदेश और देश का नाम रोशन करे। अगर यही लगन रही तो अमित के लिए ये कामयाबी भी ज्यादा दूर नहीं। विश्वास कुमार, सहारा न्यूज ब्यूरो, हनुमानगढ़।